हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है अबाउट आवर जीएस बैच। दोस्तों ये प्री प्लस मेंस 2020 को टारगेट करने वाला हमारा लास्ट बैच है 2020 का। इसके बाद हम मेंस ओरिएंटेड जो कोई भी बैच यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड दोस्तों जैसे एक और बात कि ये बहुत ही रैपिड कोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स था बहुत ही जो रैपिड कोर्स है, जो ऑलमोस्ट लगा लीजिए जो स्टैंडर्ड जो हमारे नॉर्मल बैचेस होते हैं जिनमें हम दो दिन में काम कवर करते हैं, यहाँ पर एक दिन में कवर होगा वो, ठीक है। तो ये रैपिड बैच है, तो ये जैसे अगर हम देखें तो 120 दिनों में पूरी जीएस खत्म करने का यहाँ पर हमारा प्लान है, प्री प्लस मेंस, ठीक है। एंड इसमें हमने थोड़ा, क्योंकि सिंस अभी हम मेंस को फोकस कर सकते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो अगर आप 2020 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो 60 डेज की इसमें आंसर राइटिंग भी रखी गई है कि आप हर रोज आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आपको उसका आंसर लिख के देना है, आपको इवैल्यूएशन उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इस प्लान के बारे में, सब कुछ है क्या ये प्लान। तो ये जैसे हमारी सिंपल सी एक फिलॉसफी, एक आइडिया है रीड एंड राइट, हमने इसको जो एक्सटेंसिवली फॉलो किया अपने प्रीवियस बैचेज में भी, सोशियोलॉजी में भी फॉलो करते आए हैं, अभी ऐसे कोर्स चल रहा है तो वहाँ पर सिर्फ जो स्टैंडर्ड सी बात क्या है कि पढ़िए और लिखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिखने भी चले जाते हैं एंड उन्होंने तब तक भी कोई एक भी आंसर नहीं लिखा होता एंड अपना अटेम्प्ट भी खराब कर लेते हैं। प्री क्रैक करना दोस्तों पहले कितना मुश्किल है, उसके बाद आप इमेजिन कीजिए मेंस में आप अगर आपने ढंग से लिखाई नहीं की, पहले राइटिंग नहीं की हुई अच्छे से, तो आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट नहीं कर पाते एग्जामिनर्स तक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसके थ्रू समझाना कि अगर आप 2020 का अटेम्प्ट चाहते हैं देना और अभी तक आपने जीएस को प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं किया, तो ये हमारी तरफ से आपके ये एक अपॉर्चुनिटी है और एक लास्ट बैच है कि आप इसको बिल्कुल साथ हमारे चल के, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, कम से कम आपको दिन में 2 से 3 घंटे की रिक्वायरमेंट रहेगी सिर्फ जीएस पढ़ने की, ठीक है। 2 से 3 घंटे अगर आप हर रोज जीएस के लिए वीडियोस देख सकते हैं, पैरेलली जो नोट्स मिलेंगे उसको पढ़ सकते हैं एंड देन आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ऑप्शनल कर रहे हैं तो ऑप्शनल कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे के वीडियोज आपको हर रोज देखने पड़ सकते हैं, इससे कम रहेगा लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल मान के चलिए 2 से 3 घंटे हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि कैसे चलेगा आपको समझाता हूँ। तो सबसे जैसे पहली बात है जाननी कि इसमें कंटेंट वीडियोस होंगे दोस्तों, हमारे चैनल पर भी जो जीएस के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लेकिन यहाँ पर यह कि कंटेंट वीडियोस हैं जो हमने फिर अप टू डेट करके यहाँ बनाए हैं, अपडेशन की है और जो भी जैसे जो टॉपिक वाइज अपडेशन है, आप प्रीक्योर वगैरह के साथ मिलके और फर्दर अपडेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को और अच्छा इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट वीडियोज़ हैं ये अब बिल्कुल 2020 के लिए अप टू डेट है। एंड देन उसके बाद जो प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज़ है, मैं आपको उसके बारे में और थोड़ा आगे वाले जो स्लाइड में बताऊँगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हमने 31 टेस्ट रखे हैं, 31 टेस्ट हैं, इसमें से कुछ टेस्ट अभी हो चुके हैं ऑलरेडी रनिंग, एक टेस्ट सीरीज है ये, एंड अभी जो इसमें से 14 टेस्ट हो चुके हैं 31 में से, बाकी अभी टेस्ट बाकी हैं, तो आपको ये टेस्ट भी मिलेंगे जो अदरवाइज अगर आप इसको स्टैंड अलोन, जो ये हमारी टेस्ट सीरीज है ये वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलता है, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस से बस ऐसा रहता है कि आप मान के चलिए कि टीचर्स आपको थोड़ा सा जो समझा देते हैं जो कि जो सॉल्यूशंस के बारे में एक आधी कोई एक्स्ट्रा बात पता लग जाती है और थोड़ा सा जो बेटर कम्युनिकेट हो पाते हैं जो आइडियाज हम चाहते हैं जिस पर आप फोकस करें, ठीक है दोस्तों। 31 टेस्ट है इसमें टोटल, मैं आपको आगे बताऊंगा में और डिटेल। तो और बाकी इसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जो हम हर साल एक प्रीलिम्स से पहले क्रैश कोर्स चलाते हैं, बहुत रैपिडली कवर करते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें। अभी जैसे ये बैच है जो हमारा लास्ट बैच है, इसमें प्री भी पढ़ेंगे हम और मेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ाव आगे बढ़ते हैं तो हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको एक क्रैश कोर्स इसका पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पार्ट है इस कोर्स का। अदरवाइज जैसे सेपरेटली अगर मैं बताऊं आपको, प्रीलिम्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशंस, ये कुछ जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7,000 टाइप की पड़ती है एंड जो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स होगा ये भी आपको स्टैंड अलोन 6,000 से 7,000 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जैसे जो हमारे जो जितने भी हमारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, हम इस बैच में डाल रहे हैं ताकि हॉलिस्टिक तैयारी करें बच्चे, ठीक है। एंड देन मेंस की आंसर राइटिंग 60 डेज, जो हमारे बाकी बैच 1 एंड 2 हैं, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किए थे अभी आपको लेकिन लग रहा है कि तैयारी करनी चाहिए अभी भी अच्छे से जो 2020 के लिए, 60 डेज की आंसर राइटिंग है। हम अभी भी नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी ब्लैंक जाएं मेंस में कि प्री के बाद जाके जो लिखना शुरू करें, 60 डेज भी लिखेंगे बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर 60 दिन अपने आप को अगर रोज पुश कर रहे हैं लिखने के लिए, तो 60 डेज में यू कैन डू अ लॉट, ठीक है। आप 60 डेज आपने आपको रोज बिठाएंगे वहां पर, जो एक क्वेश्चन लिखेंगे इवैल्यूएट होगा और बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 60 डेज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मान के चलिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको अंडर एस्टिमेट मत, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है कि हर रोज एक आंसर लिखना, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने और कुछ किया भी नहीं, ठीक है, ओके। देन मेंस की आंसर इवैल्यूएशन भी है, अगर आपको मेंस का क्वेश्चन मिल रहा है हर रोज तो उसको इवैल्यूएट भी किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मेंस के मॉडल आंसर, जो आपको जो ये इवैल्यूएशन हुई है उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में भी है एंड पीडीएफ भी है,
ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखें, अभी तक हमने क्या देखा, जीएस के आपको कंटेंट वीडियोस मिलेंगे प्री के परस्पेक्टिव से, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स रहेगा, मेंस के परस्पेक्टिव से आप आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर इवैल्यूएट होंगे एंड आंसर्स आपके पास मॉडल आंसर्स होंगे, वीडियोस और पीडीएफ दोनों ही, एंड देन एसे क्लासेस भी हैं। लेकिन एसे क्लासेस में बात ध्यान रहे कि विदाउट इवैल्यूएशन है, आपको एसेज में कैसे थीसिस डेवलप करना है एंड कैसे आपको ब्रॉडर जो परस्पेक्टिव लिखना है अपना, तो वो सर वहाँ पर समझाएंगे आपको वीडियो जो, और लेकिन यहाँ पर वीडियोज रहेंगे, इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन के लिए एक सेपरेट कोर्स है का, अगर आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्लासेस रहेंगी इस पर्टिकुलर बैच में, एंड एक टेलीग्राम ग्रुप हम बना देते हैं अपने बैचेस जो हमारे बनते हैं, उन टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा सा जैसे क्विक रेजोल्यूशन हो जाता है हमारे डाउट्स का, आप हमारे पोर्टल वगैरह पे भी डाल सकते हैं, मेल लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारी मेल्स आती हैं तो थोड़ा सा क्विक रेजोल्यूशन है टेलीग्राम के थ्रू, हमने देखा है जो प्रीवियसली। तो ये सब दोस्तों, ये सब चीज़ें पैकेज है हमारा, जो लास्ट बैच है 2020 का, इसका पार्ट है। प्री के टेस्ट की बात बताऊं अगर मैं आपको, तो उसमें 31 टेस्ट हैं टोटल, जिसमें से जो पहले 4 टेस्ट हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स के हैं जो पिछले 36 महीनों में हुए, ठीक है दोस्तों। 2017 की कुछ घटनाएं, 18 की घटनाएं, क्योंकि अगर आपने तैयारी अगर 19 में शुरू की है तो, और 2020 को टारगेट कर रहे हैं, तो 17-18 देर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि आपको 2017 और 2018 के बारे में कोई खास नॉलेज ना हो। तो हमने उसके पर बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं अपने करंट अफेयर्स के, इसमें टेस्ट में कवर किए। देन आपके 4 टेस्ट के बाद आएंगे 16 सेक्शनल टेस्ट। दोस्तों ये 16 सेक्शनल टेस्ट आपके जो जैसे एक जैसे कुछ हिस्ट्री के टेस्ट हैं, कुछ इकोनॉमी, कुछ पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ऐसे 16 टेस्ट हैं जिसमें हर टेस्ट में 70 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एनवायरनमेंट का टेस्ट कर रहे हैं तो 70 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के, एंड उसमें 30 जो करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे, 30 करंट अफेयर्स किसी एक पर्टिकुलर मंथ के, ताकि आप कुछ एक प्रीवियस पास्ट का महीना भी कवर करते रहें, एंड क्योंकि जो सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स बिल्कुल हैंड इन हैंड चलेगा। देन 4 हाफ लेंथ टेस्ट हैं जिसमें 3-3 सब्जेक्ट की हम यहां पे जो बंडल बना देते हैं कि 3 सब्जेक्ट एक तरफ, 3 सब्जेक्ट एक तरफ, आपके 4 वो टेस्ट होंगे। देन एक इको सर्वे और जो ईयर बुक वगैरह से मिलकर एक टेस्ट बनता है। देन और अपने पास लास्ट में 6 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं अपने प्रीलिम्स के पहले। तो दोस्तों ये सभी कुछ भी आपका इस पैकेज का पार्ट है, 7,000 रुपये के आसपास पड़ता है आपको ये, अगर विद वीडियो सोल्यूशन लेते हैं ये भी पैकेज का पार्ट इसी में ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं खरीदना हमें। एंड देन जो जैसे पहले 3 हफ्ते कैसे रहेंगे हमारी जो मेंस जो हमारा जो बैच है, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए 25 नवंबर को जैसे हमारा जैसे बैच शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर आपको दिन में ये 2 लेक्चर्स कवर करने हैं, ठीक है। एक तो प्रीलिम्स की डिस्कशन है, देन आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी। देन 26 नवंबर को आपकी एंशियंट के लेक्चर्स आएंगे 2। देन आपके उसके 27 नवंबर को पॉलिटी का डे है, तो आपके पॉलिटी के लेक्चर्स आएंगे 2, ठीक है। एंड देन इकोनॉमी के 2 लेक्चर्स आएंगे नेक्स्ट डे आपके, जो इकोलॉजी के 2 लेक्चर्स, देन साइंस के 2 लेक्चर, ठीक है, साइंस एंड आईआर पैरेलली, क्योंकि हमें मेंस के परस्पेक्टिव से जाना है। देन अगेन आपका जो संडेज ऑफ, संडेज को आप रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, एंड देन उसके बाद अगेन हम दो लेक्चर करके आपको, क्योंकि ये रैपिड बैच है, बाकी लोगों ने जिसको 230-240 दिन में कवर किया, आप इसको 120 दिन में कवर करेंगे, एंड देन ये ऐसे हमारा जो आगे आगे बढ़ता रहेगा। एंड देन उसके बाद जब आपके कुछ थोड़ी सी नॉलेज गेन हो गई है, आप थोड़ा सा जो चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, आपका मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी आपकी, यहाँ से देखिए 6 जनवरी से आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। डे 1 है आपकी आंसर राइटिंग का, जिसको मैं जो डिटेल शेड्यूल है ये भी आपको मिल जाएगा अभी। एंड देन जो ये रहा आपका डे 1 आंसर राइटिंग जो ज्योग्राफी बेस्ड है, देन सेकेंड डे आपका हिस्ट्री का टेस्ट आ जाएगा, थर्ड डे आपका इकोनॉमी का टेस्ट, ये आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो रही है 6 जनवरी से, ठीक है दोस्तों। देन ये आंसर राइटिंग चलती रहती है आपकी, सो ऑन सो फोर्थ, नेक्स्ट डेज आते रहते हैं। ये शेड्यूल मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। हर रोज आपको एवरी डे यू विल गेट 1 क्वेश्चन टू सॉल्व, टू राइट, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप उसको, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, वापस भेजेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। एंड देन जो एक यहाँ पर चाहता हूँ बात बताना, जो हर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 7 डेज के लिए ओपन रहेगा, 7 दिन के बाद आप उसको नहीं लिख सकते। ये क्योंकि इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपको पुश करने के लिए कि आप ऐसा ना करें कि मैं बाद में लिख दूं, मैं थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद लिख दूंगा, 15 दिन बाद, तो वो 10-15 दिन कभी नहीं आता दोस्तों। तो इसीलिए जरूरी है कि 7 डेज की हमने यहाँ डेडलाइन रखी है, हमारे प्रीवियस बैचेस में भी है, सोशियोलॉजी के बैच में भी है, सभी में है, 7 डेज की डेडलाइन है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इस आंसर को सबमिट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ये पुश करता है कि आप जाइए लिखिए आंसर, ठीक है। तो ये हर रोज, तो ऐसे ये 60 डेज का पूरा प्लान है जहां पे लिखते रहेंगे हम आंसर्स। एंड 31 मार्च को हम 31 मार्च को हम 2020 को अपना सिलेबस खत्म करेंगे प्री प्लस मेंस दोनों का मिलाकर। एंड देन उसके बाद आप जो प्री के क्रैश कोर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। पैरेलली आपकी प्री की जो टेस्ट सीरीज है वो चलती रहेगी, प्री की टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट शेड्यूल है, वो आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। प्री की टेस्ट सीरीज पैरेलली चलती जाएगी, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर हम लेट शुरू कर रहे हैं तो
हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे के वीडियोज देखने होंगे, एंड देन विल हैव टू सॉल्व टेस्ट रेगुलरली। जो हमारे प्रीवियस टेस्ट जो रह गए हैं उनको भी प्लान बना के आपको एक थोड़ा सा तेजी से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ते हुए मेंस के आंसर्स भी लिख रहे हैं, तभी 2020 का अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है दोस्तों। इसीलिए काम करेंगे हम, 60 डेज आप आंसर लिखेंगे एंड बाकी दिन लेक्चर्स भी चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जैसे अभी जैसे अगर हम 25 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, उसके पहले वाला जो हफ्ता है उसमें कुछ बेसिक से ओरिएंटेशन लेक्चर्स आपके मिल जाएंगे आपको, जो ओरिएंटेशन लेक्चर्स हैं जो वीक जीरो जिसको कह सकते हैं, ठीक है। 25 हम नवंबर को जैसे हम शुरू करेंगे, उसके पहले वाले हफ्ते में सिलेबस डिस्कस करेंगे हम कि सिलेबस है क्या यूपीएससी का, कौन सी किताबें पढ़ें, जो न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे की जाए, नोट्स कैसे बनाए जाएँ, टाइम कैसे शेड्यूल किया जाए, और कुछ टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन है मैम बताएंगे आपको। तो ये दोस्तों ये वीक जीरो का है आपके पास, एंड देन वीक वन ऑनवर्ड्स आपके हर रोज़ लेक्चर होंगे, 120 दिन में आपका सिलेबस खत्म, ठीक है। तो तेज चलना है, तो और इसी कारण अगर आपको 2020 का अटेम्प्ट अच्छा देना है तो उसके लिए आपके लिए हम एक यहाँ पे इसीलिए बैच को हमने यहाँ पर लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। इस बैच की वैलिडिटी जो आपके वीडियोज़ होंगे, वीडियोज़ तो आपके 31 मार्च को जो कॉन्टेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पोर्टल पर जब आप लॉग इन आई डी करते हैं, जो आप जो साइन इन करते हैं, तो उस पोर्टल में आपके पास ये अपटिल 2020 मेंस तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। 2020 मेंस आपका सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेंस हो जाता है आपका, तो तब तक आपके पोर्टल में ये वीडियोस रहेंगे, उसके बाद ये वीडियोस वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सजेस्ट क्या करते हैं कि जो मीनवाइल आप साथ साथ पीडीएफ्स वगैरह जो सभी सेव करते रहिए, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी से सोर्स किया दोस्तों, और वहाँ पर हमें इसको पैसे देने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली हम आपसे चार्ज करते हैं, तो ये हम इसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि किसी और की बैंडविड्थ पे किसी और के जो सर्वर पे स्टोर्ड है, ओके। देन उसके बाद जो कॉस्ट क्या है कोर्स की, सभी कुछ हमने जो ट्राई कर रहे हैं और मिनिमाइज़ करने की, 17,999 इसकी कॉस्ट है, लेकिन दोस्तों बात ध्यान रहे इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, 18% जीएसटी भी लगेगा इस पर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली और कुछ प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लगाकर अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 21,000 से 22,000 के आसपास का ये कोर्स रहेगा, एंड देन अगर आप पहले हफ्ते में अगर जैसे अभी इसका जो फर्स्ट वीक है इनॉग्रल, तो हमेशा हम शुरू में कुछ दिन के लिए डिस्काउंट देते हैं, तो आपको अभी ये कुछ दिन के लिए 1,000 रुपये डिस्काउंट है, 16,999 का रहेगा, तो मान के चलिए आपके 1,100 रुपये कम हो जाते हैं, कुछ 20,400 के आसपास आपको ये कोर्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम जो लोएस्ट कॉस्ट में जो मैक्सिमम कंटेंट देने की ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का कंटेंट देने की ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए बस आप देखें कंटेंट के वीडियोस जो इतने, जैसे आप जाते हैं कहीं भी किसी कोचिंग लगाने तो कितना कितना महंगा हमको देना पड़ता है वहाँ पर, एंड देन आंसर राइटिंग जो मेंस की आंसर राइटिंग भी काफ़ी कॉस्टली एक प्रोडक्ट रहता है दुनिया में, एंड देन मॉडल आंसर्स हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज ही आप देखिए तो यही आपको कुछ 7 से 10 हज़ार की ऑटोमेटिक मतलब आई बिलीव कितनी रहती है ना, तो ये सभी कुछ चीज़ें, और जो कहीं जो थोड़ा बहुत डाउट रिड्रेसल भी हम जो ट्राई करते हैं, आपके डाउट्स आ रहे हैं कुछ, तो वैसे प्राइमरली तो ग्रुप में बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, अच्छा ग्रुप बन जाता है, तो लेकिन टीचर्स भी आपके डाउट वहाँ रिजॉल्व कर देते हैं, कोई आपके कोई और किसी तरह की क्वेरी है तो वहाँ पर टीचर जनरली दे ट्राई टू हेल्प। तो ये सभी कुछ हम ट्राई कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट में आप तक पहुंचाने की, ताकि जो अगर अफोर्डेबिलिटी नामक कोई चीज़ अगर आपको जो तंग करती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए अफोर्ड कर पाएँ, जो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो कोचिंग फीस है वो उससे अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो काफ़ी हम उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर चुके हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से, और भी आगे जो अटैम्प्ट जारी रहेंगे और कम करने की, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी कुछ इस पूरे मॉड्यूल में यहाँ पर है, 18 नवंबर को यहाँ पर आपका वीक जीरो शुरू रहेगा, 25 नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी रेगुलरली, ठीक है दोस्तों। ये सभी कुछ अवेलेबल है आपके पोर्टल पर, साइन इन करना, आपको लॉगिन आईडी वगैरह बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो एंड परचेज इट देयर। तो दोस्तों अभी जो हमारी जो वेबसाइट है जहां पर जाके ये कोर्स आप खरीद सकते हैं उसको courses.sleepyclasses.com पर, ठीक है, जो sleepyclasses.com हमारी वेबसाइट है उसका के कोर्सेज लगा दीजिए, वहां पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, एंड ऑलरेडी जैसे हमने जैसे इसको लॉन्च किया था तो ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन होती जा रही हैं, तो अकॉर्डिंगली अपने आपको जज कीजिए कि आप इसको अभी 2020 के अटेम्प्ट को आप कहां पे किस पड़ाव में है, जीएस चाहिए नहीं चाहिए एक्सेट्रा, तो इसको बाद आप इसको एनरोल कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक लगा हुआ है शेड्यूल का, डिस्क्रिप्शन में ही इसका जो एनरोल करने का भी लिंक है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने आखिरी बैच में बहुत ही जल्द, बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।